नमस्ते जी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन, और बैंगन वो भी साउथ इंडियन स्टाइल से ग्रेवी में। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने ना ये छोटे वाले, ज़्यादा छोटे भी नहीं और ज़्यादा बड़े भी नहीं, मीडियम साइज के ना बैंगन ले लिए हैं। ये आज हम बनाने जा रहे हैं भरमा, और ये जो बनेंगे दूसरे बहुत ही अलग स्टाइल से बनेंगे। तो ये बैंगन ले लीजिए, इनके ऊपर का ये सारा हटा देना है, इस तरह से क्लीन करके डंडी को कट कर दीजिए थोड़ी सी, और इसको क्योंकि भर के बनाएंगे इसलिए बीच में से चार पीस करके, चार काट के इस तरह से दोनों साइड से काट के रख देंगे, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बढ़िया सा मसाला भी हम तैयार करेंगे, वो हम इसमें भरेंगे। कट करके पानी में रख देते हैं जिससे कि ये काले ना हो। ये देखिए सारे बैंगन इस तरह से काट के हमने पानी में रख दिए हैं। अब इसके लिए एक बहुत बढ़िया सा मसाला तैयार करना है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए जी, इसके मसाले की तैयारी करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक कप मूंगफली, अगर आपके पास सिकी हुई हो तो वो ले लीजिए, नहीं तो इसको सेक लीजिए, रोस्ट कर लीजिए। क्योंकि जब ये मैंने सब्जी ट्राई की थी ना, बहुत बढ़िया लगी थी और मेरे घर में सबको पसंद आई थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ भी इसी को शेयर किया जाए। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अलग तरह की सब्जी बनेगी आज। मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करनी है सारी मूंगफली, और इसको अब हम निकाल के रख देते हैं एक प्लेट में। अब हमें लेनी है चने की दाल, तो दो बड़े चम्मच के करीब ले लीजिए चने की दाल, और एक बड़े चम्मच के करीब ले लीजिए उड़द की दाल। इन दोनों को भी रोस्ट कर लीजिए। सब मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमें सेकना है सारा मसाला जो भी हम इस पर अभी रोस्ट करेंगे ना। इसको रोस्ट करने के बाद इसको भी अलग निकाल के रख देंगे प्लेट में, जिससे कि ये भी ठंडी हो जाए। सूखा मसाला जो कि इसके साथ जाएगा, तो हमें लेना है आधा कप लेना है साबुत धनिया, एक बड़ा चम्मच ले लीजिए काली मिर्च, एक बड़े चम्मच के करीब ले लीजिए जीरा, और एक बड़ा चम्मच सौंफ, एक चम्मच छोटा मेथी दाना, दस लाल मिर्च डाल दीजिए इसमें सूखी वाली, चार से पांच हरी इलायची, एक मतलब इतना एक इंच का टुकड़ा डाल देंगे हम इसमें दालचीनी का, आठ दस डाल देंगे लौंग, डाल देंगे करी पत्ते। इन सबको हमें भूनना है एक साथ मीडियम टू लो फ्लेम पे, ज़्यादा काला नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसका ऑयल रिलीज हो जाए मसालों का, इतना ही हमें इसे भूनना है एक से दो मिनट के लिए बस। अब इसको भी किसी प्लेट में निकाल लीजिए, या दाल वाली प्लेट में निकाल लीजिए, सबको मसालों को एक साथ करके ठंडा करने रख देते हैं। 1/4 कप ले लीजिए तिल, और इनको भी रोस्ट कर लीजिए। सफ़ेद तिल हो आपके पास तो वो ले लीजिए, छिलके वाले हों तो वो ले लीजिए। इसको भी रोस्ट कर लेना है अच्छे से, एक से दो मिनट लिए रोस्ट करेंगे। जैसे ही अपना एसेंशियल ऑयल रिलीज करे, बंद कर दीजिए गैस। अब इसे भी मसाले के साथ में ठंडा होने रख दीजिए, जो मसाला हमने भून के रखा है उसी के साथ। चीज़ हमें लेनी है नारियल का बूरा, या तो नारियल का बूरा ले लीजिए, या आपके पास फ्रेश नारियल हो तो उसको ग्रेट कर लीजिए, और इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा घी, थोड़ा सा घी डाल के इसको भून लीजिए एक सेकंड के लिए। इसको भूनना है नारियल को, बस इसको भी इसी मसाले में मिला के थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब तक के लिए रख दीजिए। ये सारा मसाला मैंने इसमें ले लिया है जार में, ठंडा हो चुका है। इसको हमें बिना पानी डाले पीसना है। पहले तो हमने इसको सूखा पीस लिया, अब इसके अंदर ना ये छोटे प्याज जो होते हैं, या तो छोटे प्याज हो आपके पास तो उसको एक दो करके इसमें डाल दीजिए, या बड़े हो तो दो, एक बड़ा प्याज ले लीजिए, काफ़ी बड़ा जो होता है सबसे बड़ा वो एक ले लीजिए, अगर मीडियम हो तो दो प्याज ले लीजिए। ये मेरे पास छोटे वाले प्याज थे इसलिए मैं ये पाँच छः डाल दे रही हूँ इसके अंदर, कट करके, और इसी में डाल देते हैं थोड़ी सी हरी मिर्च भी काट के, और इन सबको थोड़ा सा पानी डाल के आप पीस लेते हैं, क्योंकि अगर पहले पानी डाल देते ना मूंगफली वगैरह थी तो पिसने में दिक्कत होती। थोड़ा पानी डालेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे।
ऐसा गाढ़ा गाढ़ा सा हमारा पेस्ट टाइप ना ये बन जाएगा मसाला। अब इस मसाले को निकाल लीजिए किसी बर्तन में, सारा पेस्ट इसमें निकाल लेंगे और जो भी थोड़ा बहुत इसमें पेस्ट लगा रह जाएगा ना जार में, उसमें पानी डाल के उस पानी को भी यूज़ करेंगे, फेंकेंगे नहीं। ये देखिए मैंने पानी भी रख लिया है निकाल के सारा, और ये पेस्ट। अब इस पेस्ट को ना हमने जो बैंगन काट के रखे थे इनके अंदर भरना है। पेस्ट को ना, इस पेस्ट को हम भर लेंगे बैंगनों में। अच्छे से फिल कर लीजिए दबा दबा के बढ़िया से। देखिए इस मसाले के अंदर नमक नहीं है, अभी नमक हम अभी नहीं डालेंगे इसमें, नमक हम डालेंगे बाद में। इस तरह से सारे बैंगन भर लेंगे। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है हमारे पेस्ट के अंदर, नहीं तो बिल्कुल पतला हो जाएगा, फिर हमसे ये भरा नहीं जाएगा और सारा पेस्ट बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए थोड़ा गाढ़ा रखेंगे और पानी हम थोड़ा ही डालेंगे, आधा कप करीब। इतने मसाले में आधा कप पानी। ये हमने सारे बैंगन भर लिए हैं। अभी जो मसाला बचा है ना, ये अभी हम सब्ज़ी बनाने में भी यूज़ करेंगे और थोड़ा बच जाएगा तो उसको बाद में किसी और सब्ज़ी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप टिंडे बना लीजिए, करेले बना लीजिए, जो भी आप भरमा सब्ज़ी बनाना चाहें ना इस मसाले से बना सकते हैं। तो अब उसको छौंकने की तैयारी करते हैं। इस सब्जी को चाहे तो आप सरसों के तेल में छौंक लीजिए या रिफाइंड में, जिसमें भी आप छौंकना चाहें। एक बड़ी कलछी ले लीजिए ऑयल, यानी 4 बड़े चम्मच। जैसे ऑयल गर्म हो जाए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई, और जैसे ही राई तड़कने लग जाए, जीरा तड़कने लग जाए, हम इसमें डाल देंगे प्याज लंबे कटे हुए। देख लीजिए ये साइज काटना है पतले पतले। ये मैंने 4 बड़े प्याज लिए हैं, उनको पतला काट के डाल दिया है। इसी में हम डाल देंगे थोड़े से करी पत्ते। भूनना है प्याज को तब तक ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। हमारा प्याज ट्रांसलूसेंट हो गया है, कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले, लाल मिर्च स्वाद अनुसार आपके, और 1/4 चम्मच हल्दी, क्योंकि मिर्ची हमने मसाले में भी अच्छी डाली है, भरी है, तो हम इसमें मिर्ची थोड़ी कम ही डाल दें। आप चाहें तो अपने टेस्ट अनुसार डालिए, मैंने 1 चम्मच ही डाली है लाल मिर्च। इस साइज़ के यानी बड़े टमाटर हमें लेने हैं 4, तो ये 4 टमाटर रफली चॉप करके इसके अंदर डाल देंगे और मसाला अच्छे से भूनेंगे। अब इसको ढक के थोड़ी सी देर मसाले को टमाटर को गलने देते हैं और मसाले को भुनने देते हैं, 5 से 10 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं। ये 5-6 मिनट हो गए हैं और मुझे तेल रिलीज कर दिया है और टमाटर हमारा गल गया है, ढीले हो गए टमाटर। तो चलाएंगे और हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच जीजी पेस्ट, जिंजर गार्लिक और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल के पीस के मैंने पेस्ट बना रखा है, हम वो डाल रहे हैं इसके अंदर। आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, ज़्यादा लहसुन अदरक खाना चाहें तो ज़्यादा डाल दीजिए, नहीं तो कम भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारा मेन मसाला जो अब तक हमने नहीं डाला, वो है नमक, और इसको ग्रेवी को अच्छे से भुनने दीजिए, खूब बढ़िया से सारा ऑयल रिलीज होने दीजिए और सब जो भी हमने इसमें डाला है प्याज टमाटर सब एक साथ होने दीजिए। और इसके अंदर हम पानी ना जो हमने मसाला बना के उसको साफ जार को साफ करके लिया था वही यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पानी डाल के मसाला अच्छे से भूनते हैं। स्टेज पे चाहें तो आप इसको ढक के भी पका सकते हैं या खुला ही पका सकते हैं, बस ऑयल रिलीज होना चाहिए। तो इसको अच्छे से भूनेंगे ना हम तो बढ़िया से ऑयल रिलीज कर देगा ये मसाला, यानी मसाला पक जाएगा। देखिए जस्टिफाई हो रहा हो तो ऑयल रिलीज होना शुरू हो गया है। अभी जो बैंगन हमने भर के रखे थे ना वो इसमें रख देंगे और बैंगन को इसके साथ चला लेते हैं।
यही वाला पानी डालेंगे हम, मसाले वाला, और डाल देंगे 2 बड़े चम्मच मसाला। जो पेस्ट हमने बना के रखा था ना, वो पेस्ट 2 बड़े चम्मच, ये साइज है चम्मच का, इस साइज से डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको 10 से 15 मिनट ढक के पकने देंगे। बहुत ही टेस्टी सी एक साउथ इंडियन स्टाइल बैंगन की ग्रेवी वाली सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। अभी इसको 10-15 मिनट हमें ढक के पकाना है जब तक हमारे बैंगन गल नहीं जाते हैं। ये देखिए जी, हमारी बढ़िया सी आज ग्रेवी वाले बैंगन की सब्जी बनके तैयार है और अब इसको गार्निश कर देंगे हम हरे धनिए से। देखिए मसाला जो इसका भुना था मैंने, वो मैंने 2 बार के लिए भून लिया था, तो आप इसका हाफ करके ले लीजिए, नहीं तो मसाला बना के रख लीजिए, दूसरी सब्जी में भी यूज़ हो सकता है। देखिए ये सब्जी बनते बनते ना इसके अंदर एक थोड़ा सा ना चीट किया जाता है, थोड़ा सा गुड़ डाला जाता है। अगर आपको गुड़ पसंद हो इस ग्रेवी के अंदर आप डालना चाहें तो इसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं, जिससे इसका फ्लेवर और इन्हेंस हो जाएगा, टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा सब्जी का। और इस सब्जी को मोस्टली खाया जाता है चावलों के साथ, आप इसे रोटी फुलके किसी के साथ भी खा सकते हैं, फुलके के साथ खा सकते हैं, परांठे के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर से बताइए, पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर करिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।